एक्शन में निर्वाचन आयोग है, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से कार्रवाई हो रही है, होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो चुका है, सरकारी योजनाओं और नेताओं के होर्डिंग फिलहाल हटाए जा रहे हैं। कल ही आपको बताने की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, आदर्श आचार संहिता लगते ही होर्डिंग हटाने का काम बहुत तेजी के साथ फिलहाल शुरू हो चुका है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकारी योजना और नेताओं के होर्डिंग लगातार हटाए जा रहे हैं, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देखिए, होर्डिंगों को हटाने का काम फिलहाल शुरू हो चुका है। तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर, फरीदाबाद से बड़ी जानकारी, एक्शन में है निर्वाचन आयोग, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कार्रवाई लगातार जारी है। तो बता दें आपको कि होर्डिंगों को हटाने का काम फिलहाल शुरू हो चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो होर्डिंगों को हटाने का काम फिलहाल शुरू हो गया है, बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें फरीदाबाद से खबर, एक्शन में निर्वाचन आयोग है, होर्डिंगों को हटाने का काम फिलहाल शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग गई है, जिसके बाद आपको बता दें कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप देखिए, एक्शन में है निर्वाचन आयोग, इस वक्त की बड़ी खबर। तो फिलहाल आपको बता दें आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कार्रवाई लगातार की जा रही है, जितने भी होर्डिंग्स जो है वो लगे हुए हैं उनको फिलहाल हटाया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद तमाम योजनाओं के जो पोस्टर्स लगे हैं उनको हटाया जा रहा है, नेताओं के होर्डिंग्स लगे हैं उनको भी यहां पर हटाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, तो एक्शन में है निर्वाचन आयोग, इस वक्त की बड़ी खबर। तो फिलहाल तेजी के साथ कार्रवाई यहां पर की जा रही है, आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्रवाई हो रही है, जितने भी होर्डिंग्स और योजनाओं के पोस्टर्स लगे हैं उन तमाम चीज़ों को हटाया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो फरीदाबाद से तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, सरकारी योजनाओं और नेताओं के होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। देवेंद्र, आदर्श आचार संहिता यहां पर लग चुकी है, उसके बाद लगातार जो पोस्टर्स है बैनर्स है उनको हटाने का काम शुरू हो चुका है, और अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जिस तरह से आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है पूरे देश भर में, अब जो चुनाव आयोग है उसके हाथ में कमान है और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से जो प्रशासन है उसको काम करना होगा। फरीदाबाद के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं विक्रम यादव, उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में जहां नगर निगम 24 से 72 घंटे के अंदर तमाम, चाहे नेताओं के होर्डिंग्स हो, राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स हो, इसके साथ साथ में सरकारी योजनाओं के जितने भी होर्डिंग्स हैं उनको हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पंचायत विभाग है उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है और बाकायदा एक टीम गठित कर दी गई है अलग अलग शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, कि अगले 24 घंटे से 72 घंटे के भीतर तमाम जो प्रचार सामग्री है वो पूरी तरह से हटानी होगी, क्योंकि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अगर राजनीतिक पार्टी या कोई उम्मीदवार अपने होर्डिंग्स लगाता है तो उसकी जानकारी बाकायदा निर्वाचन आयोग को देनी होगी और उसके साथ साथ में उसके खर्चे का ब्यौरा भी देना होगा। तो ये तमाम कवायद जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए ये तमाम जो जरूरी कदम हैं वो उठाए गए हैं और अब मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। चूंकि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से पिछले, जिस तरह से कहा गया मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कि पिछले लगातार 2 साल से वो इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे में कई मीटिंग जिला स्तर पर भी की गई, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ में मीटिंग हुई और जो जो गाइडलाइन थी उनको बाकायदा बताया गया है और
एक बात और, जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें लापरवाही और कोताही बरतने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो किसी भी स्तर पर ये जो आम लोकसभा के 18वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनावों को कराए जाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है और किसी भी तरह की इसीलिए कोई भी अधिकारी ढील बरतने की स्थिति में नहीं है। इसी को लेकर कई दौर की बैठकें अधिकारियों के बीच में हुई हैं, जिम्मेदारी तय कर दी गई हैं, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर की बात हो, चाहे इसके साथ साथ में जो एआरओ बनाए गए हैं और जिला स्तर के साथ साथ में ब्लॉक स्तर पर भी ये जिम्मेदारी तय की गई है। और रविवार होने, छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी तमाम अधिकारियों की बैठक आज ली जानी है, बड़ी बैठक होगी अधिकारियों के बीच में। और आगे चूंकि एक लंबा वक्त, करीब करीब 2.5 महीने, चूंकि हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होगी और उससे पहले की तमाम जो प्रक्रिया है, चाहे नामांकन की हो, चाहे छटनी की हो, इसके बाद में नामांकन वापस लेने की जो तमाम प्रक्रिया है उन पर अब बैठकें की जा रही हैं और इसी को लेकर लगातार निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब ऐसे में होर्डिंग हटाने को लेकर जो हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उनके जितने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ में मंत्रियों के जहां भी होर्डिंग्स पर फोटो होंगे उनको हटाने का काम शुरू किया गया है। खासतौर से जो सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग से इन्हें हटाने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है और इसी कड़ी में अब ये कार्रवाई फरीदाबाद में होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा अगर ऐसी आदेश के बाद में भी कोई उल्लंघना होती है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के भी निर्देश रिटर्निंग ऑफिसर तरफ से बाकायदा दिए गए हैं। जी और बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार कार्रवाई तो यहाँ पर की जा रही है, आप बता भी रहे हैं कि आज बड़ी बैठक होनी है, उसमें और क्या कुछ खास रहेगा, किस तरीके से रूपरेखा और बनेगी? बिल्कुल, देखिए बैठक की अगर बात करें तो बैठक में तीन तरीके से उसको समझ सकते हैं। एक तो निष्पक्ष चुनाव कराना है तो इसको लेकर जो उम्मीदवार हैं चाहे राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खर्च के ब्यौरे से लेकर जो मसल पावर की, चूंकि चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से भी 3M का जो जिक्र किया गया था उसमें मसल पावर, मिसलीडिंग और मनी पावर, तीन चीजों पर फोकस करने के लिए बाकायदा ध्यान दिया गया था। और यहां तक जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ में जो टीम बनाई गई है उसके अलावा 2100 पूरे देश भर में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और उनकी तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी मतदाता को कोई अगर किसी तरह की आपत्ति है या कोई शिकायत है या कुछ जानना चाहता है तो उसके लिए 100 मिनट का एक टाइम बाउंड फिक्स किया गया है कि 100 मिनट में निर्वाचन आयोग की टीम की तरफ से कोई अधिकारी या कर्मचारी उस मतदाता तक पहुंचेगा और उसकी जो तमाम जानकारी है उसके साथ में साझा की जाएंगी, उसकी शिकायत का निवारण किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीजें आज इस बैठक में होनी है। इसके साथ साथ में चूंकि जिस तरह हम होर्डिंग्स का ये जिक्र कर रहे हैं इस पर भी बैठक होनी है। 72 घंटे तक का समय दिया गया है कि इसके अंदर अंदर तमाम प्रचार सामग्री जितनी भी सरकार की चाहे निजी तौर पर किसी राजनीतिक दल ने या किसी कैंडिडेट ने लगाई है उनको भी हटाने की है। तो इस तरह के कई मुद्दों पर आज बड़ी बैठक होनी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।